मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाने वाला, देखते हैं। 1 बजे रात तक जो है बनाया गया है, कारीगर लोग बहुत परेशान हैं, मनी मने बहुत तरह की बात भी कर रहे हैं। काजू किशमिश, अच्छा, और छुआरा, नारियल, अरे क्या बात, अरे चेरी भी है। दोस्तों मैं हूँ नाज उजैर, और फिलहाल अभी आप देखिए इतना सारा ढेर सारा केक, ये केक कहाँ जाएगा सब आप जरूर आश्चर्यचकित होते होंगे, कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी होती होगी या इंटरनली खुशी भी होती होगी, आई डोंट नो बिहाइंड इट, बट इतना मैं जानता हूँ कि एक एक्साइटमेंट तो आपके दिलो दिमाग में ज़रूर होगा कि इतना सारा केक की क्या वजह है और क्या कुछ करने वाले हैं। ये 1000 केक है जिसको ऐसे हाथों से उठाना लगभग नामुमकिन है। मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई इसमें इसको कैसे कैरी करके ले जाऊँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एग्जीबिशन है ज्ञान भवन पटना में और वहाँ पे इसको ले जाना है, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, बेहतर लग रहा होगा। तो पहले तो बेहतर लगेगा तब सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि सचमुच ये कैसा बना हुआ है, ताज़ा है, फ्रेश है और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए हम ट्राई कर लेते हैं कि सचमुच ये, चूँकि ये जैसे कि आप जानते हैं ये केक जो है मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाने वाला है, देखते हैं। ज़बरदस्त है भाई, शानदार, ज़बरदस्त, जब जिंदाबाद। आप भी थोड़ा खा लीजिए। 1 बजे रात तक जो है बनाया गया है, कारीगर लोग बहुत परेशान हैं, मनी मने बहुत तरह की बात भी कर रहे हैं कि अगले बार से काम नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से अगले बार फिर मना लेंगे, हमारे पास तो हुनर है, हाथ पाँव पकड़ के मना लेते हैं। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। मीठा? मीठा भी एकदम बैलेंस है, बहुत ही अच्छा केक है। और नारियल लगा है ना, सब कुछ अलग, नारियल, किशमिश, काजू, काजू भी सब है। और क्या क्या डाले? काजू किशमिश, अच्छा, और छुआरा, नारियल, अरे क्या बात, चेरी, अरे चेरी भी है, चेरी दिख कहाँ रहा है? चेरी अंदर में होगा, ये लाल वाला चेरी है ना, नहीं देखते हैं, सब अंदर में है। अच्छा, सब अंदर में है। तो उन्होंने कहा कि इसमें नारियल है, काजू है, किशमिश है, क्या 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 डाला है इन्होंने, भैया हमको तो खाने से मतलब है, इन्होंने क्या डाला है नहीं डाला है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये इतना सारा केक पहली बार मेरे सामने में है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है रिस्क ले करके। और ये जो बेकरी वगैरह जो बनाते हैं, ये लोग परेशान रहते हैं कि भाई मैं इतना सारा पैसा क्यों बर्बाद कर दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इन्वेंट करने में, नई खोज करने में पैसा तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका जोश, जज्बा और जुनून, क्या कुछ दुनिया को नया दे पाते हैं और क्या कुछ दुनिया को नया नहीं दे पाते हैं, तभी जाकर के दुनिया जो है सम्मान, रेस्पेक्ट की नज़र से ही आपको देखती है। इसी बीच में हम थोड़ा थोड़ा केक भी खाते रहते हैं, केक तो बहुत अच्छा है। फिनिश हो चुका है, ये हो गया मक्के का छिलका। जब मैं पहली बार प्रैक्टिकल किया था पिछले 1 साल पहले, वो शायद रमज़ान का महीना था ना, मैं जब आया था तो मैं फास्टिंग में था, तब मैं बनवाया था यहाँ पे केक, शाम तक मैं रुक गया था, यहीं पर मैंने खाने पीने का काम भी किया था, और लगभग 1 साल के बाद ये इस शक्ल में, इस रूप में आ गया है। तो बताने का मकसद मेरा दोस्त इतना है कि जो नया काम होता है ना, वो टाइम टेकन होता है, एट रैंडम नहीं होता है मेरे दोस्त, एट रैंडम बिल्कुल भी नहीं होता है, इट विल टेक सम टाइम। तो तब जा कर के ये चीज़ें निकल कर दुनिया के बीच में आती है, ये आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत सारा पैसे की बर्बादी भी करनी पड़ती है और बहुत सारा सारे लोगों का मजाक भी बनना पड़ता है, तब जाके कुछ नया हो पाता है। यस, ये तो आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। और आज हो गया 3 तारीख, कल 4 तारीख है, कल इसको हम लेके पटना एग्जीबिशन मॉल में जाने वाले हैं। अब देखिए क्या रिजल्ट हो पाता है वहाँ पर, किस तरह के
लोग किस तरीके से इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और या फिर इसको नज़रअंदाज करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और हमेशा पॉजिटिव रह करके किसी काम को करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं खा रहा हूँ और इसी तरीके से दूसरे लोग भी इस चीज़ का आनंद लेंगे और तारीफ भी मिलेगी और दुनिया को नए चीज़ देने में कामयाबी मिली है। और इसका तो क्या कहना है मेरे भाई कि इसका पेटेंट भी मेरे पास आ गया है, तो अब दिल खोल कर काम करना है मुझे। डेफिनेटली दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। FB पे होंगे, Instagram पे होंगे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं लाता रहता हूँ आपके बीच में इनोवेटिव और नेचर से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, विदा लेते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।